सरोज सोलंकी धरा की माँ और दीपक सोलंकी की बीवी का किरदार प्ले कर रही हूँ। मेरे साथ है केतकी बहन दमयंती बहन सोलंकी। ये कहानी जैसे अजिंक्य सर ने बताया कि हर एक शो में जैसे होता है बहुत सारा हटके नहीं है पर है, बहुत अच्छी कहानी है। पर इसमें ये बताया गया है कि हम जो औरतें हैं, समाज ये सोचता है कि औरतें सिर्फ घर में बैठ के खाना बना सकती है, एक बीवी का रोल, एक माँ का रोल, एक बहन का रोल निभा सकती है, लेकिन जब करियर की उसके सपने की बात आती है तब वो अपने आप को थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को दबा देती है। तो इस शो के द्वारा ये बताया गया है कि क्या औरत के सपनों की एक्सपायरी डेट होती है। वैसे देखने जाओ तो जब इंसान जन्म लेता है इस दुनिया में और अगर जो कुछ भी चाहता है, अगर वो सच्चे दिल से शिद्दत से करना चाहता है तो उसकी एक्सपायरी डेट कभी नहीं हो सकती है। और एक औरत में ऐसी ताकत है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो एक दूसरी सृष्टि को, दूसरा एक इंसान अपने अंदर से बना के पैदा करती है। वो सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। 9 महीने बच्चे को पेट में अपने कोख में पालती है और अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती है। तो कभी कभी समाज में उसके पास, उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ मदर या एज अ वाइफ या एज अ सोसाइटी में उसकी जिम्मेदारियां होती है या समाज का डर होता है या पता नहीं मैं ये करूँ, या सेक्रीफाइस की भावना होती है कि मैं अगर अपने सपने को देखूंगी तो मेरा परिवार वो उसका ध्यान कौन रखेगा, वो कैसे होगा, ये सब सोचती है। लेकिन अगर वो सच्चे दिल से सपना देखती है तो वो उसे पूरे करने की ताकत भी रखती है। उतनी चीज़ ईश्वर ने उसके अंदर डाली है। पर समाज और वो कभी कभी खुद भी यही सोचती है कि इसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है, बट उसके सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। किसी भी उम्र में कभी भी एक औरत अगर सपना देखे तो वो ज़रूर पूरा कर सकती है। पर एक छोटी सी फेवर जो एक समाज कर सकता है, एक परिवार कर सकता है, उसका साथ देना, उसको एनकरेज करना और उसकी कामयाबी में खुद की खुशी भी अगर ढूंढे कि औरत सिर्फ बलिदान करने के लिए नहीं है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी, उसके भी सपने हैं, अगर उसका थोड़ा सा ये समाज और परिवार ख्याल रखे तो औरत आसमान छू सकती है, जैसे कि काफ़ी औरतों ने छुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े सपने पूरे किए हैं। हर एक औरत को सपना देखना चाहिए और हर एक औरत के सपने ज़रूर पूरे होंगे। किसी भी इंसान के सपनों की एक्सपायरी डेट कभी नहीं हो सकती है। इसमें इतना कहना चाहती हूँ, यही दिखाया गया है हमारे शो में। आप ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत ही मेहनत से हमारे प्रोड्यूसर साहब ने और पूरी टीम ने, सारे एक्टर्स टेक्नीशियन बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा शो बनाने की कोशिश की है और हमें विश्वास है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। करती है बेटी पोती हो गया, अब अच्छी बीवी का टाइम है। सो विशाल, व्हाट डू यू लाइक टू से? लास्ट मैंने का एक ही फायदा होता है, सबने सब कुछ बोल दिया होता है। सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये शो के साथ एसोसिएटेड हूँ, बिकॉज ये शो डिफरेंट इसके लिए क्योंकि हम बाकी शोज़ में देखते हैं कि वो लड़कियों के बारे में, उनको बड़ा हो कि आपको शादी करनी है, ये करनी है, वो करना है, आपको दूसरे का घर संभालना है। लेकिन इस शो में जो बताया है कि लड़की के पेरेंट्स खुद उसको कितना सपोर्ट करते हैं उसका पैशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो एक सपोर्टिव फैमिली है उनकी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मिहिर सुखाड़िया का, वो एक ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ की ड्रीम्स को आगे पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट करता है। मेरा इसके अंदर मेरा कैरेक्टर, मैं आई एम प्लेइंग एज एन इमेज बिल्डर, तो खुद एक इमेज बिल्डर है और अपनी वाइफ अगर उसकी इमेज बनाना चाहती है एज अ क्रिकेटर तो वो उसको सपोर्ट करता है। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, हस्बैंड वाइफ है, सबके घर में होता है ये, तो हमारे साथ भी थोड़ा बहुत इसको लेके प्रॉब्लम्स होती है, बट कैसे धरा उसको सॉल्व करती है, कैसे अपने पैशंस को प्रायोरिटी देती है और किस तरह से कन्विंसिंगली वो अपना काम आगे बढ़ाती है, तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू टू मिस्टर अजिंक्य देव फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। आई एम वेरी प्राउड टू बी इन दिस पार्ट। थैंक यू। प्रोड्यूस करना उसका काम था, उसकी फैमिली थी, लेकिन ये गलत लगेगा अगर वो
अपने बचपन को खुद की जो छोटी सी धरा है हर्षिता, मैं चाहूंगा कि वो जल्दी से स्टेज पे आ जाए और हमें बताए कि वो किस तरह से बड़ी हो गई। सो अ बिग हैंड टू दिस ब्यूटीफुल स्मॉल लिटिल हर्षिता। मैं छोटी धरा का रोल कर रही हूँ और मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, तो मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं और बाँ बोलती है कि तू लड़की है, तू घर के काम करेगी, क्रिकेट नहीं खेलेगी। तो फिर मैं दोनों काम करती हूँ और ऐसे ही बड़ी होके क्रिकेटर बनती हूँ। थैंक यू। तो ये थी हमारे इस शो का पूरा किरदार ऑल दी एक्टर्स ऑल ग्रेट। आपको टीवी पे देखने मिलेगा और एक अलग अंदाज में जिसने इसे प्रेजेंट किया हुआ है और एक फ्लेवर दिया हुआ है, अपना खुद का फ्लेवर। डायरेक्टर डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन फ्रॉम माय साइड, सो आई वुड रिक्वेस्ट वसीम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। ही इज अ नॉट आउट बैट्समैन और 100 रन से कर चुका है, तो वसीम फॉर यू। I'm a little loud, I'm not well. Alok, embarrass mat kar. Okay, well everybody knows about the show. Everybody spoken about the show. Main sirf itna bolunga ke this is the press conference happening. We've got 6 characters. So this is a different show. There is no kaka, mama, sasas, everything involved in that. And one thing I'd like to say is about dreams. You know, we make plans. That's what I believe. We make plans and the Almighty smiles. So it's basically the possibility of a dream coming true, which actually makes life interesting. That is what is the story about Ashok, that how life becomes interesting when a girl wants to pursue things, wants to go and get whatever she wants with doing what the others want. So yes, there is no expiry date, and there is no expiry date to anybody's dream. Okay, I had dreamt of doing something like this. It just came into my pocket. Okay, a big thanks to Star, a big thanks to RDP, Ajinkya, Abhinay, and my entire core team. And for that, I would actually like to call Vineet ji, who has been my support, my DOP, my cinematographer. If he wasn't there, believe me, this show wouldn't have been possible. This show, this is Vineet Sabru for everybody. Okay, now, ye sab baatein ho gayi. Main aapko ek kamal ka incident batana chahunga openly to everybody. Now, for that, I would like to call Ketki ji and I would like to call Kiran ji over here. You all will laugh what we've gone through. Okay, now there is a sequence we are shooting on a steady cam. I am on the bike, okay? I will show you, I will enact everything for you all. They are on the bike, I am on the bike. Okay, so let's show them what happened. You all be behind. Yeah, wait. No, I'll just show them what happened. Vineet ji, idhar. So, this is me on the bike. There's a Steadicam guy sitting like this on the bike. We are shooting on the roads of Junagadh, okay? So this is a Steadicam operator. Vineet ji is in the bus, aage in the, there's this chagada, you know what a chagada is, everybody knows? Okay, you know what a chagada is. It's a motorcycle with a dicky. Okay, so what happened, I'm riding the bike, the bike kinetic Honda. They are on another kinetic Honda. There is a camera ahead, there's a camera with me on my back. And suddenly, there is a bull which starts charging towards the chagada, because usko cut, I think got irritated. Okay, now I